नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम आपके लिए फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें साइंस पूछा जाता है के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसी UPTGT, UP जूनियर एडिड, UPPGT और UPGIC सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इस क्लास से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, अवश्य पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, अर्थात दिए गए विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सी किरण है जिनकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो गामा किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है और गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्ध करता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या सिद्ध करता है? प्रकाश कणों की बौछार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टीन और मिलिकन ने इसकी व्याख्या की है। किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सभी अक्षारीय धातुएं व जिंक प्रकाश के साथ विद्युत प्रभाव दिखाती हैं। सभी धातुएं एक्स किरणों व गामा किरणों के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग छोटे छोटे कणों से बनी होती है, अर्थात प्रकाश क्या है? कणों की बौछार है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, क्योंकि भारी जल हमारा क्या काम करता है? विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न तीव्र न्यूट्रॉनों को मंदित करने का कार्य करता है, और इसके लिए ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भारी जल को ज़्यादा संभावना दी गई है। भारी जल का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, भारी जल को सबसे अच्छा मंदक माना गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव वह घटना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वह घटना है, कौन सी घटना है जिसमें क्या होता है? 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रकाश क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में परिणत हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है किसे विक्षेपित करता है? ऑप्शन नंबर बी अल्फा कणों को। विद्युत क्षेत्र बीस का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। विद्युत क्षेत्र अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें चलती हैं केवल सरल रेखा में। तो कैथोड किरणें चलती हैं केवल सरल रेखा में ही कैथोड किरणें चल सकती हैं, अन्य किसी माध्यम में नहीं चल सकती। जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलोवाल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर हो जाता है, तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलकर सीधी रेखा में चलना शुरू कर देता है, इसलिए कैथोड किरणें किस में चलती है? सरल रेखा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कण प्रतिकण युग्म है? पार्टिकल एंटी पार्टिकल युग्म कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन क्या है? प्रतिकण है। इलेक्ट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। इन्हें क्रमशः E- तथा E+ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। E- इलेक्ट्रॉन के लिए और E+ किसके लिए? पॉजिट्रॉन के लिए। और ये क्या है? संपर्क में आते ही एक फोटोन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग की चाल और प्रकाश तरंग की चाल का अनुपात होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक होता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो आवेश रहित होता है किंतु इसमें परचक्रण होता है। आवेश रहित होता है लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है? प्रचक्रण होता है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो
एक मिनट, न्यूट्रिनो लगभग द्रव्यमान रहित अर्थात द्रव्यमान इसका शून्य होता है, वह आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। और यह न्यूट्रिनो का भी प्रतिकण होता है, जिसे क्या कहते हैं? एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। और न्यूट्रिनो की स्पिन के विपरीत होती है, एंटी न्यूट्रिनो की स्पिन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे दो तत्व जिसमें से जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। तो इसलिए वह क्या होगा? आइसोबार, समभारिक, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक। और द्रव्यमान संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु भार। तो परमाणु भार समान दिया गया है और परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा किरणें उत्सर्जित करता है। अल्फा किरणें क्या होती हैं? हीलियम के नाभिक हैं। अल्फा किरणें हमेशा हीलियम के नाभिक में उपस्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, जब उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन पुंज को किसी धातु के लक्ष्य द्वारा अचानक से रोक दिया जाता है तो विशेष किरणें उत्पन्न होती हैं। जब उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन को किसी धातु के लक्ष्य द्वारा टारगेट द्वारा अचानक से रोक दिया जाता है तो कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं? एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एक्स किरणों का उत्पादन एक निर्वातित एक्स किरण नलिका में ही किया जा सकता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनों का स्रोत तथा एक टंगस्टन का लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। अर्थात स्रोत व लक्ष्य आमने सामने होते हैं। उच्च विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन लक्ष्य की ओर त्वरित हो जाते हैं और बहुत अधिक वेग से लक्ष्य से टकराते हैं, तो विशेष किरणें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? एक्स किरणें कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने योग्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइकलसन मोरले प्रयोग आधारित था ईथर परिकल्पना के पतन का। ईथर परिकल्पना पर आधारित था माइकलसन मोरले प्रयोग। अगला प्रश्न है, फोटोन है, फोटोन क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रकाश ऊर्जा का पैकेट को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें दो नाभिक संयुक्त होकर एक नया नाभिक बनाते हैं, क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो नाभिक आपस में संलयित हो जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा जनित होती है, सूर्य में ऊर्जा जनित होती है किसके कारण? जब दो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक आपस में मिलते हैं तो सूर्य में ऊर्जा जनित होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछे जाने की संभावना है। न्यूट्रॉन की खोज की, ये तो सभी को पता होगा, इससे पहले पार्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं चैडविक ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है। अब सभी को पता है कि प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं, तो कार्बन 14 हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं परमाणु के नाभिक में? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। धन्यवाद दोस्तों, आज के प्रश्न हमारे यहीं तक थे। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।